एवरीवन, दिस इज़ ट्रेनर एंड वेलकम टू पीबीआर डेली व्लॉग्स। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी हूँ अपने, तो अभी लंच ब्रेक हमारा हो गया है और हम खाना वगैरह भी खाने वाले हैं सब फ्रेंड्स मिलके। लेकिन अभी आज थोड़ा मन नहीं कर रहा है, हम जो पीजी से खाना लेके आते हैं वो मन नहीं कर रहा है खाने का, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज यहाँ से हम वेज थाली खरीदते हैं और उसको देखते हैं कैसा टेस्ट है, क्योंकि आज तक जब से मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ मैंने यहाँ की जो वेज थाली है वो टेस्ट नहीं किया। बाकी सब कुछ टेस्ट कर लिया है, वेज रोल, ब्राउनी, सब कुछ टेस्ट कर लिया है। बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कौन सा खाना जो है वो टेस्टी लगता है, पीजी का या यूनिवर्सिटी का। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको मैं बताऊँगी दोनों खाने के, जो पीजी से हम लेके आते हैं और जो यहाँ की है। तो चलो लेट्स गो, चलते हैं हम शॉप की तरफ और देखते हैं क्या है आज थाली में। सो अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ जो हमने थाली ली है यहाँ से 70 रुपीज़ की, और सबसे पहले राजमा टेस्ट करते हैं। सीरियसली इतना नमक डाला हो ना इन्होंने, बहुत तेज़ नमक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नमक है इसमें, और देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी राजमा लग रहा है। लेकिन खा के जैसे देखा गर्म है फूड नो डाउट, लेकिन वही बात है ना, नमक तेज़ है तो अब खाया नहीं जा रहा। तो इसकी जगह अब हमारे यहाँ कौन सा खाना काम आएगा, ऑब्वियसली जो हम पीजी से लेके आए हैं, और बहुत यू नो इसमें नमक भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वही अगर दूसरी साइड हम देखें तो वो ठंडा है, ये गर्म है, लेकिन ये जो है इसमें नमक ज़्यादा तेज़ हो गया है और वो ठीक है। तो अपने अपने दोनों जो फूड है हमारे, अपने अपनी जगह जो है उसके यू नो प्रोज एंड कॉन्स है, ओके। अपने अपने दोनों फूड के ये नहीं है, बता रहे मेरे को आती चीज़ें। ओ गॉड यार, पेंट खराब हो गई। ये देखो एक और कौन, एक और कौन नीचे बैठ के खाने का। देखो तो अभी चलो सब्जी सब्जी देखिए, सब्जी नहीं देखी। सब्जी अच्छी है नो डाउट, और इन्होंने दही देख लो साथ में तभी दिया है, क्योंकि राजमा में इन्होंने नमक तेज करा हुआ है, दैट्स व्हाई। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। मैं सोच रही हूँ इससे मतलब दही नहीं, यार वाह क्या बात है। पर मे भी थाली में दही इंक्लूड होता ही है? नहीं, सारी थालियों में नहीं दही होता। तो कुंवर प्रीत जो है हमारा पीजी का खाना सारा खा रहा है, सारा खाना यही खाता है हमारा पीजी का जो हम लाते हैं। सो स्वीट ऑफ यू। तो यार भी फटाफट से खाना खा लेते हैं हम, फिर बाकी की बातें बाद में। हमारी पेट पूजा हो गई है, मजा आया खाना खाने में। पीजी का खाना है जो हम लोग लाते हैं पीजी से खाना, नमक नमक ज्यादा कम, वो पूरा प्रॉपर घर का लग रहा है ना, कि वैरायटी भी मिल जाती है, कभी हम नूडल्स लाते हो, कभी आज अरबी ले आए, जैसे वैरायटी मिल जाती है। यहाँ पे ये है कि रिव्यू ही नहीं है, यहाँ पे ये है कि एक फिक्स फूड है, और अगर तुम्हारी ब्रेक के लिए सपोज तुम 5-10 मिनट लेट हो गए तो तुम्हें आधा पौना घंटा यहीं खड़े रहना पड़ जाता है, तो उस चक्कर में फिर कभी कभी खाना मिलता भी नहीं है, ऑर्डर लेट मिलता है यहाँ पे। तो मैं ही क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा एज यू नो कि अभी हमने फूड खाया तो बहुत ज़्यादा नमक था। आई डोंट नो कि रोज़ ही ऐसा होता है यहाँ पे कि क्या सीन है, पर मैंने फर्स्ट टाइम थाली खाई तो मुझे पसंद नहीं आई है। हाँ, जंक फूड की अगर हम बात करें तो वो बहुत औसम है यहाँ का, वेज रोल वो तो काफ़ी बैठते हैं, बहुत अच्छी जगह। हमारा खाना पीना जो है वो हो गया है, और अभी बस थोड़ी देर में लंच ब्रेक ओवर हो जाएगा। सो जो हमने यहाँ से थाली ली थी वो उसमें राजमा थे, काफ़ी ज़्यादा नमक था गाइस, काफ़ी ज़्यादा नमक। लेकिन एक चीज़ है उसका बेनिफिट भी है कि आपको यू नो पीजी से जो आप या घर से अपने जो आप लंच बॉक्सेस लेके आते हो तो आपके वो बैग में, कई बार एक बार हुआ था मेरे साथ अभी थोड़े दिन पहले, तो जो डब्बा था वो बैग में खुल गया था है ना, तो बैग भी गंदा हो गया था। तो ये डिसएडवांटेज है घर से खाना लाने का, बाकी तो कुछ नहीं है। और ठंडा हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ठंडा हो जाता है, और यहाँ पे गर्म कराने का कोई सोर्स नहीं है, तो दैट्स वाई भी कई बार गर्म खाना खाने का दिल करता है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन वही है ना,
ऑन अनदर हैंड जो यहाँ से खाना लेते हैं वो पता नहीं कैसा बनता होगा, आई डोंट नो। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ इस बात पे, लेकिन स्टिल हम थोड़ी देखते हैं यार अंदर जाके कैसे बना रहे हैं। नमक देखो अब ज़्यादा डाला हुआ था, और फिर हो सकता है ना हमें नहीं पता। सो स्टिल रेट भी ठीक ही है, लेकिन अगर आपसे खाना खाया ही नहीं जा रहा, नमक ज़्यादा है, तो फिर उसका क्या ही फ़ायदा है ना। तो या ये थे, ये था डिफरेंस दोनों खानों के बीच में। तो या वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर से ही खाना लेके आएँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, अकॉर्डिंग टू मी वो ज़्यादा बेटर है। आप घर से लेके आएँ, आप क्वांटिटी जो है वो आप जितनी ज़्यादा लेके आना चाहते हैं वो आप लेके आ सकते हैं ना। आप दो डब्बी भी सब्जी लेके आ सकते हैं, जितनी चपातियाँ चाहें उतनी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको फिक्स क्वांटिटी में ही मिलेगा दो चपाती और ज़्यादा नमक डला हुआ राजमा और सब्जी ठीक थी, चावल, राइस भी अच्छे थे, और या पेट भरने वाला काम था अकॉर्डिंग टू मी। जंक फूड की बात करें तो वो बहुत अच्छा टेस्टी है, मैंने काफ़ी बार खाया हुआ है। और हाँ, और एक और बात, मैं उस चीज़ पे भी एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी, फूड व्लॉग होगा, जो पूरा जितने भी यहाँ पे शॉप्स है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो वो सारा मैं रिव्यू करूँगी आपके सामने कि कौन सी शॉप की कौन सी डिश जो है फेमस है और क्या उसके प्राइजेस है, सब कुछ टेस्ट वगैरह क्या सबसे ज़्यादा जो है बिकती है। तो स्टे ट्यून फॉर माई दैट व्लॉग, अभी बनाऊँगी मैं तो। या अभी आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।